नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग 12 से 14 वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणिक इकाई के रूप में अति संगठित था। उस समय समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और 10 से 24 सेकंड में यह धमाका दोगुना बड़ा होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के कारण 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इस धमाके के बाद 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।